दोस्तों, अगर आप भी इमरान मलिक को एक खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में कई असंभव चीजें देखने को मिली, जहां उमरान ने लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के खेमे में दहशत पैदा करके रख दी। वनडे में डेब्यू करते हुए उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा कप्तान शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैच को कैसे उमरान मलिक ने पलटा, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे की क्या रही सांस रोक देने वाली पूरी की पूरी हाईलाइट, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि उमरान मलिक और जसप्रीत बुमराह में से खतरनाक गेंदबाज कौन है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, धवन गिल के धमाके के बाद टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर और वाशिंगटन सुंदर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड के सामने 7 विकेट के नुकसान पर 307 रनों का विशालकाय लक्ष्य खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, धवन ने 77 गेंदों में 72 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 13 चौके लगाए। वहीं शुभमन गिल ने 65 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली, एक चौका और 3 छक्का लगाया। इन दोनों ही बल्लेबाजों की धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ 76 गेंदों में 80 रन ठोक डाले। अपनी पारी में 4 चौके और इतने ही खतरनाक छक्के लगाए, लेकिन महफिल उठी अंतिम में वाशिंगटन सुंदर ने, जी हां, केवल 16 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 37 रन बनाते हुए वाशिंगटन सुंदर ने 231 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। बता दें, अपनी पारी में सुंदर ने 3 चौके और 3 खतरनाक छक्के लगाए, यानी कुल 26 इन्होंने चौके छक्के से ही बना दिए थे। दोस्तों, न्यूजीलैंड 307 रनों के लक्ष्य का जवाब देने उतरी थी। उनकी तरफ से ओपनिंग करने आए ताबड़तोड़ बल्लेबाज फिन एलन और डिवॉन कॉनवे, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय गेंदबाजों के रिमांड पर लेना उनको शुरू कर दिया। शार्दुल ठाकुर ने दूसरे ओवर में फिन एलन ने शानदार चौका लगाते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद तीसरे ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में कुल 2 चौके लगे और कीवी बल्लेबाजों ने कुल 11 रन बटोरे। इसके बाद पांचवें ओवर में भी 1 छक्का और 1 चौका सहित कुल 11 रन बनाकर न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने कीवी टीम को 33 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने एक भी रन नहीं दिया और मिडन ओवर खेला। तो दोस्तों, जिस तरीके से दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, कप्तान शिखर धवन के लिए ये पार्टनरशिप चिंता का सबब बन गई थी, जिसे तोड़ना बेहद ही जरूरी था। और पार्टनर से तोड़नी है तो शार्दुल ठाकुर से बेहतर गेंदबाज और कौन हो सकता है। 8वें ओवर में कप्तान धवन ने लॉर्ड ठाकुर को एक बार फिर से याद किया और ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने फिन एलन को लगभग आउट कर दिया था। जी हां, शॉट पर खड़े युजवेंद्र चहल ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। लेकिन हिंदी में एक कहावत मशहूर है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आपको बता दें, ठाकुर ने एक ऐसी चमत्कारिक गेंद डाली जिस पर एलन चारों खाने चित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि शार्दुल ठाकुर ने ये कौन सी गेंद डाल दी। आपको बता दें, ठाकुर की वो खतरनाक आउटस्विंग एलन के बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों में चली गई और जोरदार अपील के बाद एम्पायर को उन्हें आउट देना ही पड़ गया। 8 ओवर के बाद न्यूजीलैंड अपना पहला विकेट गंवा चुका था और उनका स्कोर था 35 रन। शार्दुल ठाकुर ने अपने 4 ओवर के स्पेल में अब तक एक मिडन के साथ 9 दिए थे और एक सफलता भी हासिल कर ली थी। इसके बाद वो घड़ी आई जिसका दुनिया भर के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उमरान मलिक के गेंदबाजी की। अपनी पहले ही ओवर में उन्होंने न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाजों को रफ्तार से गिरफ्तार किया। जी हां, न्यूजीलैंड की सरजमी पर उन्होंने पहली गेंद 146 की रफ्तार से डाली और ओवर का अंत किया 150 की गति से। उमरान के पहले ओवर में कुल 4 रन बने, लेकिन उन्होंने इसी ओवर की दूसरी गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को लगभग आउट करा दिया, पर किस्मत के धनी विलियमसन बच गए क्योंकि गेंद विलियमसन के बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे फाइन लेग की तरफ चली गई। इसके बाद अपने अगले ओवर में भी उमरान ने तेज रफ्तार से न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन को हैरान कर दिया। जी हां, उनकी गति देखकर कीवी कैप्टन दंग रह गए। 13 ओवर के बाद न्यूजीलैंड ने एक विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए थे और उमरान मलिक ने अपने 2 ओवर में कुल 9 रन दिए। केन विलियमसन 25 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर कॉनवे 41 गेंदों में 24 रन बनाकर अपना कप्तान का साथ निभा ही रहे थे कि उनके लिए काल बनकर आ गए उमरान मलिक। जी हां, 150 से भी तेज की गति की गेंद डालकर उमरान ने कॉनवे को चारों खाने चित कर दिया और उन्हें ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। बता दें, न्यूजीलैंड 15.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना चुका था और अभी भी उन्हें जीत के लिए 237 रनों की दरकार थी। दोस्तों, 68 रनों के स्कोर पर उमरान मलिक ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई थी। खतरनाक अंदाज में दिख रहे कॉनवे को उमरान ने पवेलियन की राह दिखा दी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए डेरिल मिशेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग ही पहचान बना चुके हैं। जी हां, ये बल्लेबाज अपने कप्तान के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया।
17वें ओवर की चौथी गेंद पर मिशेल ने चहल की एक गेंद पर खतरनाक छक्का लगा दिया। चहल को पिटता देख कप्तान धवन ने महेंद्र सिंह धोनी जैसी चतुराई दिखाई तो उन्हें लग गया था कि अब यहां से दोनों बल्लेबाज उनके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने वापस से अटैक में लगाया रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को। जम्मू की वादियों से निकला ये तेज गेंदबाज आते हैं 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेंजर दिख रहे डेरिल मिशेल को सब्स्टिट्यूट फील्डर दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट कराते भी हैं और पवेलियन की राह दिखा देते हैं और एक बार फिर से मुकाबले में भारत की वापसी कराते हैं। 5 ओवर में 19 रन देकर उमरान मलिक ने 2 कीवी बल्लेबाजों का शिकार किया। लगभग 155 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए उमरान ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के मन में दहशत पैदा कर दी। यहां तक कि कीवी कैप्टन केन विलियमसन भी उमरान को बेहद संभल कर खेलने लगे। पर दोस्तों यहां से टॉम लैथम के साथ मिलकर केन विलियमसन ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। अब ये दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तो संभल कर बल्लेबाजी की लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों की क्लास लगानी शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाते हुए पहले तो 100 रनों के पार पहुंचाए। कप्तान शिखर धवन इन दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करने के लिए रणनीतियां बनाते रहे और विलियमसन के साथ मिलकर टॉम लैथम धीरे धीरे अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने 30 ओवर के बाद 150 रनों के पार पहुंचा दिया स्कोर और अब भारतीय टीम विकेट के लिए तरस रही थी। 32वें ओवर में पहली ही गेंद पर यजुवेंद्र चहल ने टॉम लैथम को LBW आउट कर दिया। एम्पायर ने भारतीय टीम की अपील को नकार दिया लेकिन धवन ने रिव्यू लिया जिसके बाद गेंद आउटसाइड लेग में थी और टॉम लैथम को एक जीवन दान मिल गया। इसके बाद तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और 33वें ओवर में गेंदबाजी करने आए उमरान को आड़े हाथों लेते हुए टॉम लैथम ने पहले तो चौका लगाया उसके बाद एक छक्का ऐसा लगाया जिसे देखकर खुद उमरान भी दंग रह गए। अब 33वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड ने 175 रन बना लिए और दोस्तों यहां से भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें धुंधली नजर आने लगी क्योंकि कप्तान धवन को कोई ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आ रहा था जो बल्लेबाजी कर रहे दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी को तोड़ सके, आउट कर सके, पवेलियन भेज सके क्योंकि 35 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी पहली ही गेंद पर केन विलियमसन को लगभग आउट कर दिया था। जी हाँ, लेकिन शॉट पर खड़े कप्तान शिखर धवन के पास गेंद पहुंची ही नहीं पाई और केन विलियमसन को भी यहां पर एक जीवन दान मिल गया और 36 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 191 रनों के पार पहुंच गया। अब केन विलियमसन ने 70 रनों की पारी खेल डाली तो वहीं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टॉम लैथम ने अपने कप्तान का साथ देते हुए 58 गेंदों पर 56 रन बना लिए। इसके बाद विकेट लेने के लिए जैसे ही अर्शदीप सिंह को धवन ने याद किया उनके इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने एक छक्का सहित कुल 9 रन बटोरे और अपनी टीम को 200 रनों के स्कोर पर पहुंचा दिया। अब यहां से न्यूजीलैंड को जीत के लिए 78 गेंदों में 107 रनों की दरकार थी और भारत को जीत के लिए 7 विकेट चाहिए थे। जिस हिसाब से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे न्यूजीलैंड के मुकाबला आसानी से जीत जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि उमरान मलिक को दूसरे वनडे में मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।